अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका मुस्लिम एमएस स्टडी सर्कल में खुश आमदीद। पिछले हफ्ते हम लोग ने सेशन रखा था जो मेडिकल एस्पेक्ट से इनफर्टिलिटी को डॉक्टर जोया आयशा ने एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है, किस लिए होता है, किन वजहों से होता है। और हमें ये लगा कि सोशल एस्पेक्ट और मेडिकल एस्पेक्ट दोनों एक साथ जाना चाहिए कि अगर कोई बांझ है, मर्द और औरत या मर्द और औरत, तो उसका समाज उसको किस हिसाब से देखते हैं, किस तरह से देखता है, और इस्लाम में इसके बारे में क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है, हमारे सहाबा सहाबियात के वक्त इसको किस हिसाब से देखा गया है। और थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है इनफर्टिलिटी और चाइल्डलेसनेस, बच्चा बच्चा ना होना बायोलॉजिकल तरीके से। तो इसमें सबसे अच्छा हम लोग ने सोचा कौन बोल सकता है, जीशान सारा जो प्रोफेसर हैं मानू में, और उनका बहुत सारे उनके तमगे हैं। तो उन्होंने अपना एमए इस्लामिक स्टडीज में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से हैदराबाद से किया है 2015 में। उसके बाद वो गोल्ड मेडलिस्ट भी है इस्लामिक स्टडीज में। उसी साल उन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है और अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज में, और परमानेंट फैकल्टी हैं। और फिलहाल वो पीएचडी परस्यू कर रही हैं, और उनके जो स्पेशलाइजेशंस हैं वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर हैं, और जो खलीफा हैं, जो चार खलीफा हैं उनके ऊपर हैं, और स्पेशली इस्लाम इन इंडिया के ऊपर है उनका स्पेशलिटी, और इस्लाम एंड मॉडर्न ट्रेंड्स। तो जीशान सारा अस्सलाम वालेकुम, हमें बहुत खुशी है कि आप इस टॉपिक पे बोल रही हैं, क्योंकि आप एक्टिवली हम आपके व्यूज सुनते रहते हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आपके पूरे फील्ड ऑफ स्टडी जो है इट्स समथिंग विच इज यूनिक, विच वी वांट टू इंटरैक्ट विद, वी वांट टू हियर मोर फ्रॉम यू। और आपको मैं दावत देती हूँ कि आप अपना सेशन शुरू करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि हमको अपनी बात को कन्वे करने का कभी ना कभी कोई ना कोई मौका अल्लाह ताला देता है, कि हम सोसाइटी के तहत अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं, जो सोचते हैं, उसको अपनी बात सामने रखें। उसके बाद मैं MWSC जो बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, बेहतरीन टॉपिक्स पर, सोशियो पॉलिटिकल इस्लामिक, आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मस्जिद प्रोजेक्ट आप लोगों का काफ़ी इंस्पिरेशनल है, अल्लाह ताला बहुत आप लोगों को कामयाबी दे। मैं MWSC की बहुत मशहूर हूँ कि मुझे ये मौका दिया, और खुसूसन तानिया आपकी मेरी नई नवेली दोस्त और बहुत अच्छी शख्सियत की हामिल, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं अपना प्रेजेंट ऑफ सोशल बिहेवियर हम देखते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी इनफर्टिलिटी को किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस भी हमको देखने को मिलते हैं, सिर्फ नेगेटिव ही नहीं, सोशल बिहेवियर में पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, दोनों चीज़ें हमको। तो पहले हम नेगेटिव रिस्पॉन्सेस की बात कर लेते हैं कि शादी के बाद आम तौर से ये देखा गया कि कपल को 2-3 महीने गुजरने के बाद ही उनको सवालात का सामना करना पड़ता है गुड न्यूज़ के लिए, गुड न्यूज़ नहीं मिली क्या हुआ। लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कि मर्द से ज़्यादा एक औरत को सवालात का सामना अक्सर और बेशतर करना पड़ जाता है, उसकी अपनी फैमिली की तरफ से, क्या बेटे सब ठीक ठाक जा रहा है, गुड न्यूज़ अभी तक नहीं मिली, उनके इन लॉज की तरफ से अच्छे तलीके से भी पूछते हैं या थोड़ा सा इन लॉज वाला दबाव के साथ भी, उनके फ्रेंड सर्कल में क्वेश्चन आने लग जाते हैं, उनके फ्रेंड्स पूछने लग जाती है, और रिलेटिव में किसी शादी कोई अटेंड कर लो, कोई फंक्शन कर लो, घर पर कोई मेहमान आ गए, अभी अभी शादी हुई है, 3-4 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, अच्छा क्या बात है, खुशखबरी सुनाई नहीं दी, इस तरह के सवालात जो है पूछने लग जाते हैं। और लड़कियों को के साथ ये ज़्यादा होता है कि उनको ये सवालात का सामना करना पड़ जाता है, और सिर्फ सवालात ही नहीं, एक तरह का प्रेशर भी कभी कभी क्रिएट किया जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हो जाना चाहिए था, कभी हस्बैंड की तरफ से भी आ जाता है कि बार बार ये लोग पूछ रहे थे सब ठीक है क्या, वगैरह वगैरह करके। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकली बुरा असर पैदा करती हैं किसी की भी शख्सियत के ऊपर,
लड़कियों की शख्सियत के ऊपर जो मैरिड है और ये सब झेल रहे हैं, कई सारे चीज़ों में वो उनका शिकार हो जाती है, जैसे एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन एक्सट्रीम लेवल में जाके डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं और उदास रहने लगते हैं, मायूसी, हर वक्त उनके जहन में यही चलता रहता है। किसी को बच्चों के साथ देख लें तो फील होते रहता है कि यार मैं, मेरा हस्बैंड भी है, हमारे पास औलाद नहीं है, उनके पास बच्चे हैं, महरूमी अपने अंदर कि समथिंग इज मिसिंग, हमारे पास कुछ नहीं है, हम महरूम हैं, ये एहसास उनके अंदर पैदा होता है। वो अपने आप को, चाहे वो उनके अंदर कितनी एबिलिटीज हो, पढ़ने लिखने की, किताबें लिखने की, कई कुछ भी हुनर उनके पास रहा होगा, लेकिन उनको उनको सिर्फ इसलिए कि मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं बच्चा नहीं दे पा रही हूँ, उनको कम, वो अपने आप को कम महसूस करते हैं किसी और, उस औरत से जिनके पास औलाद है। तो इस तरह का की कंडीशंस आ जाती हैं, जहन इस तरह के मामलों में उलझ जाता है और 2400 घंटे यही जहन में, वो सोशल एक्सप्लोजन उनका कम हो जाता है, वो आना जाना लोगों के पास बंद करते हैं, क्योंकि हम जाएंगे तो आंटी पूछ लेंगी, खाला पूछ लेंगी, पुप्पी पूछ लेंगी, या इन लॉज में ये सब होता है। तो इस तरह के अनहेल्दी एनवायरमेंट का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं अगली के डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन दोनों के दरमियान, वो औरतें जो औलाद वाली हैं और वो औरतें जिनको औलाद नहीं है, इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन बरता जाता है। ये बहुत ज़्यादा आम नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगी उन घरानों में जो जहाँ पर इस्लामी तालीमात या दीन की प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर आमतौर से ये बहुत होता है, जिसमें यू नो शादी ब्याह में, हर छोटी बड़ी चीज़ में जो है गैर इस्लामी रिवायात का, रीति रिवाज वगैरह का काफ़ी ज़्यादा कल्चर है। इसका यह मतलब नहीं है कि जो बहुत दीनदार घराने हैं, चाहे किसी तंजीम से वाबस्ता ऑर्गेनाइजेशन से हो या इंडिविजुअली, उनके अपने अंडरस्टैंडिंग काफ़ी दीन के मामले हैं और वो प्रैक्टिस्ड मुस्लिम्स हैं बहुत अच्छे, तो ऐसे घरानों में ख़वातीन को किसी भी तरह का इमोशनल और मेंटल प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी है। लेकिन जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा रीति रिवाज वाले होते हैं, उनके अंदर हम डिस्क्रिमिनेशन की साफ मिसालें सोसाइटी में देखने को मिलती है कि मसलन अगर किसी की शादी हो रही है तो दुल्हन के साथ जो मामले किए जाते हैं, फूल पहनाना या कुछ करना, तो आमतौर से जो इनफर्टाइल औरतें हैं उनके हाथों से नहीं करवाया जाता, क्योंकि समझा जाता है कि भाई अच्छा शगुन नहीं माना जाएगा, और इससे आगे बढ़ के सम इन अप्रोप्रिएट टर्म्स वगैरह का भी उनके लिए, उनके पीछे में या उनके सामने इस्तेमाल हो जाता है, जैसे मनहूस उनको बोल दिया जाता है, दलिंदर का लफ्ज आ जाता है, या इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल हो जाता है। तो ये जो है मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असरअंगेज हो जाते हैं सोसाइटी की तरफ से जो चीज़ें आती हैं उसमें। तो मैं अपना टाइम भी देखती रहूँगी साथ में। आप देखते हैं कि पॉजिटिविटी भी लेकिन एग्जिस्ट करती है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो नेगेटिव चीज़ें आप लोगों के सामने हैं सिर्फ यही है, नो ऐसा नहीं है। अक्सर बेशतर ये भी देखा गया है कि उनके जो स्पाउजेस है वो बहुत मतलब अपनी बीवियों को क्या कहते हैं, हौसला देते हैं कि अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया, बच्चे नहीं हो तो हम एक दूसरे के साथ खुश हैं और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे रहेंगे, इन लॉज की तरफ से भी कोई ज़्यादा उनको वो नहीं होता, उनके घर वाले उनका अपना सपोर्ट बने हुए होते हैं कि बेटा तुम अपने आप को ऐसा कुछ नहीं महसूस करना, अगर कुछ आता है तो उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो बता दिया जाता है। तो बहुत सी मिसालें ऐसे मिलती हैं जिन्होंने अपने शादीशुदा ज़िंदगी हस्बैंड वाइफ दोनों ने खुशी खुशी गुजार ली, उसके ऊपर ही वो ख़त्म हो गए, उन्होंने अडॉप्शन की तरफ भी वो नहीं गए, ना एक दूसरे में उनके अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ या एक तरह की दूरी आ गई कि हस्बैंड मुझे औलाद नहीं दे सका, या हस्बैंड के दिल में ये कि बीवी मुझे औलाद नहीं दे सकी, बच्चा नहीं दे सकी, इस तरह की चीज़ें सब में नहीं है, ये 100% लोगों में ये नहीं है नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी मौजूद है अल्लाह के फजल से, ये भी होता है। और ले देखिए एक राहें वैसे भी बिल्कुल नहीं बंद हुई हैं, अडॉप्शन भी एक ऑप्शन है ऐसे लोगों के पास जो चाहते हैं कि बच्चा रखें। अल्लाह ताला ने यतीमों की परवरिश के ऊपर बहुत बेहतरीन तालीमात इस्लाम की हमको मिलती है,
जन्नत में इनको इतना बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा जो एक यतीम की परवरिश करे, तो ये एक अच्छी बात होगी कि जो अफोर्ड कर सकते हैं हस्बैंड वाइफ अगर वो चाहते हैं अपने एक दूसरे की रजामंदी से, तो इसकी तरफ भी वो आगे जा सकते हैं। ये होता है। अब हम देखते हैं कि इस्लाम की तालीमात क्या है, इस्लामिक अप्रोच क्या है, क्या इस्लाम हमको गाइड करता है, किस तरह रहनुमाई करता है। क्योंकि नाउडेज जो जिस तरह के इश्यूज हमको फेस करना पड़ रहा है या हम सोसाइटी में देखते हैं, ये भी एक तरह का रुझान सोसाइटी में आ रहा है कि मोटिवेशनल स्पीचेस और इस तरह की किताबें वगैरह, उससे अपने आप को रिलीफ करने की कोशिश करते हैं, उनसे मदद हासिल करने की कोशिश करते हैं। जबकि कुरान मजीद से ज़्यादा कोई बेहतर किताब इंसानियत के लिए दुनिया में मौजूद नहीं है, जिसमें हर तरह की गाइडेंस हमको मिलती है, हर तरह की रहनुमाई हमको मिलती है, तसल्लियाँ हमको मिलती हैं। कठिन अवकात में अगर हम गुजर रहे हैं, आप कुरान पढ़ो, आपको लगेगा कि वो अल्लाह मेरे लिए ही ये क्या आई है किताब। इतनी ज़बरदस्त गाइडेंस वहाँ पर दी जा रही होती है कि आपकी आपको हील करती है वो बहुत सी आयतें। और चूँकि कुरान और सुन्नत दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान गोया एक थियोरी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका प्रैक्टिकल है। प्यारे नबी की पूरी ज़िंदगी कुरान के ही मुताबिक थी। अम्मा आयशा की वो मशहूर हदीस है कि किसी कोई शख्स आपसे आके पूछते हैं कि मुझे बताइए अल्लाह के नबी की ज़िंदगी कैसी थी, तो वो ताज्जुब से पूछते हैं कि क्यों तुम कुरान नहीं पढ़ते, क्योंकि अल्लाह के नबी तो चलता फिरता कुरान थे। यानी कुरान मजीद में जो लिखा गया है, जिस तरह के अहकाम आए हैं, वो पूरे के पूरे आपको शरीयत कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अमली मिसालें हमको उसकी मिलती हैं। वो दोनों एक दूसरे को कम्प्लीट करते हुए शरीयत बनाते हैं, कुरान एंड सुन्ना। इसीलिए हमको ज़रूरी है कि जो भी मसाइल हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं, हम देखते हैं, या आपको दूसरों के मसाइल दूसरों की ज़िंदगी में और आपको ज़रूरत महसूस होती है कि आप उनको गाइड करें या कहीं पर थोड़ी हेल्प हो सके, तो आपको कुरान से मदद लेनी चाहिए। और कुरान असल में हमारा ओढ़ना बिछोना होना चाहिए, हर बार हमारी ज़िंदगी का पढ़ना उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ ये ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। ये सबसे ज़बरदस्त आयत है, सबसे ज़बरदस्त, जो इनफर्टिलिटी की तरफ आपको गाइड करने वाली, क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है, हर चीज़ बहुत साफ साफ अल्फाज में यहाँ पर बयान की हुई है। सूरह शूरा की आयत नंबर 49-50 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वन बाई वन देखते हैं इसको, कि आसमान और ज़मीन की बादशाहत सब अल्लाह ही के लिए है। यानी बादशाहत का मतलब, एक बादशाह कौन होता है, जो हर चीज़ उसकी ही होती है, उसके अंडर में, उसके हुक्म के मुताबिक और उसी की सारी गाइडेंस पे, उसके ऑर्डर के ऊपर बनाई जाए किए जाए। तो हर तरह के मखलूकात आसमान ज़मीन में जो कुछ भी पैदावार है, जो कुछ भी निज़ाम चल रहा है, ये सब अल्लाह ताला की बादशाहत। आगे अल्लाह ताला बोल रहे हैं, वो जो चाहता है पैदा करता है, अल्लाह के इख्तियार में है, वो जो चाहे पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसको चाहे बेटे अता करता है। दैट मीन्स ये टोटली जो भी मेडिकल फैक्टर्स होंगे वो भी गोया अल्लाह ही की मर्जी है कि किसी को औलाद हुई, किसी को नहीं हुई, किसी को सिर्फ फीमेल मतलब सिर्फ औरत लड़कियां पैदा हुई, किसी को लड़के। तो ये किसी इंसान के हाथ में है, ना किसी डॉक्टर के हाथ में है, ना हमारे अपनी सोसाइटी के हाथ में है, किसी के भी अख्तियार में नहीं है कि हम अपनी मंशा से हम जो चाहें वो हो जाए। नो, ये अल्लाह ताला के अख्तियार में है। तो ये मतलब अल्लाह की मर्जी है। अगर किसी को बेटियां हुई हैं तो हम ये भी अप्रोच देखते हैं सोसाइटी में कि एक बेटी हो जाए तो बोलते हैं कि हाँ अब अगला बेटा हो जाए तो तुम कंप्लीट हो जाओगे। क्यों? बेटा बेटी जेंडर का जरूरी नहीं है कि किसी को बेटा हो तो वो बेटी आए तभी वो कंप्लीट हो, किसी को सिर्फ बेटियां हैं अगर वो बेटा उनके पास अगला आ जाए तभी वो कंप्लीट हो। नो, ये अल्लाह के अख्तियार में है कि वो अल्लाह की मर्जी है कि जिसको चाहता है सिर्फ बेटियां होता है। अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी बड़ी मिसाल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली ज़ौजा मोहतरमा थी, ताहिरा का लक़ब उनको दिया गया था, पाकीज़ा ताहिरा का लक़ब दिया गया था। उनको बेटे भी हुए अल्लाह के नबी से, लेकिन किसी कोई बेटा भी जो है बाकी नहीं रहा, सबका इंतकाल हो गया और उनको सिर्फ उनसे होने वाली सिर्फ बेटियां ही बाकी रहीं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नज़र थी, उनकी सारी बेटियां हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत रुकैया, हज़रत फातिमा, बेइंतहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत करते थे। ये आता है रिवायात में कि आपको जब कभी दूर किसी सफ़र पर जाना होता तो आप सबसे आखिर में हज़रत फातिमा से मिलते।
पॉजिटिव वाइब्स लेके अपनी बेटी का चेहरा आखिर में देखकर जाते हैं, और जब सफर से वापस आते तो सबसे पहले अपने बेटे से इस तरह की मोहब्बत देखिए बेटियों के तई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, कितना आपने उनको मकाम और मर्तबा दिया। तो ये अल्लाह के अख्तियार में है कि जिसको चाहता है सिर्फ बेटियां देते हैं और जिसको चाहता है सिर्फ बेटे आता करते हैं, और जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां दोनों आता करता है। बच्चों में औलाद में भाई बहनों का रेशो चाहे तीन बेटियां दो बेटे हो, जो भी हो, एक बेटा एक बेटी, लेकिन ये भी अल्लाह के इख्तियार में है कि वो जिसको चाहता है दोनों आता करते हैं और जिसको चाहता है बांझ बना देते हैं। ये लिखा हुआ है साफ साफ कि ये अल्लाह की मर्जी है कि वो जिसको चाहता है औलाद नहीं देता, वो उनको बे औलाद रखता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ही है। आगे इरशाद आ रहा है, बेशक वो जानने वाला है, कुदरत वाला है। एक तो वो कुदरत रखता है किसी चीज को देने में और ना देने में, और वही तो जानने वाला है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके पीछे क्या मसलहत है, ये अल्लाह के अख्तियार में है। लिहाजा इंसान को ये सोचने के बजाय कि मुझे औलाद नहीं है या मुझे सिर्फ बेटे हैं या मुझे सिर्फ बेटियां हैं या मुझे इतने हैं तो मुझे और होते, कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो रहा है, तो उस इन 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 सारी सोचों में अपने आप को घिरने के बजाय हमको अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि नेमतें अल्लाह की तरफ से हमारी जिंदगी में मौजूद हैं। अब नेमतों का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आपको बहुत ही जबरदस्त जिंदगी मिली है, हर तरह की सहूलतें, खाने पीने की, कपड़ा अच्छा पहनने की मौजूद है आपके पास, स्कूटी है, कार है, गाड़ी है, बंगला है। जरूरी नहीं कि इनको ही नेमत समझा जाए। अगर ये है तो ये भी अल्लाह की नेमत है, वो नहीं है तो भाई ये क्या कम है कि अल्लाह ताला ने आपको आंख दी है जिससे आप देख सकते हैं, जिसके पास आंखें नहीं है। कई सारे लोग हैं लंगड़े हैं, वो चल नहीं पाते, काफी लोग बोल नहीं पाते, तो क्या ये कम है? क्योंकि हम ये सारी चीजों का, इन सारी सलाहियतों का, हमारे आज़ा का इस्तेमाल करते हुए भी काफी कुछ हम कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपनी जात के लिए, सोसाइटी के लिए, बहुत लोगों के लिए। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख के अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है उसको पूरा करने के हम अभी भी अहल हैं। लाइफ खत्म नहीं होगी अगर औलाद नहीं है तो ये कुरान का कहना है। एक मिसाल हमको कुरान में दो ऐसी भी मिसालें मिलती हैं कि अल्लाह के इख्तियार में कि वो बांझ लोगों को भी उम्र के किसी भी मरहले में औलाद अता कर सकता है। इसकी पहली मिसाल हजरत ज़करिया की मिलती है, सूरह मरियम की आयत 7-9 में इसका डिटेल में तस्करा है कि हजरत जकरिया की ने दुआ की थी तो अल्लाह ताला ने उनको दिया कि हाँ हम तुमको बेटे की बशारा देंगे। हजरत जकरिया बोलते हैं कि मुझे कैसे लड़का हो सकता है जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं उम्र के इंतहाई दर्जे को, एक्सट्रीम लेवल तक मैं पहुंच चुका हूँ। तो अल्लाह ताला का जवाब सुनिए कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये मेरे लिए आसान है, मैं वैसे ही तुमको औलाद दूंगा जैसे मैंने तुमको पैदा किया जबकि तुम्हारा कोई वजूद था ही नहीं, तुम एग्जिस्ट नहीं करते थे, तुमको मैंने कैसे पैदा किया, क्या मेरे लिए मुश्किल था? नहीं था। वैसे ही बूढ़ों को भी औलाद देना ये मेरे अख्तियार में है। तो अल्लाह की उम्मीद से मायूस भी नहीं होना चाहिए, जो भी जिंदगी अल्लाह ने दी है उसको अच्छे तरीके से गुजारना है अपने जिम्मेदारियों में लग करके, और ये अल्लाह की मर्जी होगी तो अल्लाह ताला किसी को कभी भी औलाद दे सकता है, ये उसके हाथ में। तो एक मिसाल हजरत ज़करिया की है जिनको हजरत यहया की बशारत दी गई, और अबुल अंबिया जिन्होंने एक आदमी ने, वन मैन आर्मी का उन्होंने काम किया जबकि सारी इस्लामी टीचिंग्स मिट चुकी थी हजरत आदम के बाद के नबियों से। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे शख्स थे जिन्होंने खुद बचपन से एक्सप्लोर किया कायनात को, मेरा खुदा कौन होगा ढूंढा, और फिर अल्लाह ताला की हिदायत उन तक पहुंची और उनको नबी बनाया गया, और उनकी नस्ल से ही हमको अक्सर अंबिया बनी इसराइल में आते हुए नजर आते हैं, इसलिए उनको अंबिया का बाप कहते हैं, अबुल अंबिया कहा जाता है। तो हजरत इब्राहिम को भी लेकिन औलाद कब हुई? जब वो बूढ़े हो चुके थे। हजरत इब्राहिम कौम लूत की तरफ जो फरिश्ते भेजे गए थे उनके ऊपर अजाब नाजिल करने के लिए, उसी मौके पर हजरत इब्राहिम को खुशखबरी देने के लिए ये लोग पहुंचे थे घर पे हजरत इब्राहिम के। कुरान में सूरह मरियम में ही हमको इसकी मिसाल मिलती है कि सॉरी सूरह हुद में, तो वहां पर उनकी बेगम और हजरत इब्राहिम दोनों खड़े हुए थे। तो फरिश्ते उनको बोलते हैं कि हम तुमको इसहाक की गुड न्यूज सुनाते हैं और उसके बाद हजरत याकूब की। तो वो जो औरतों का देसी अंदाज होता है ना, उसमें उनकी बेगम बोलती है कि हाय खराबी, क्या मैं बच्चा जनूंगी हालांकि मैं बूढ़ी हूँ और ये मेरा खाविंद बूढ़ा है, ये तो बहुत ही अजीब सी बात करते हो। तो फरिश्तों का जवाब सुनिए कि वो कहते हैं क्या तुम अल्लाह के हुक्म का ताजुब करती हो जिसके अख्तियार में कुन है, उसने कुन से पूरी कायनात को तख्लीक कर दी, उसके हुक्म पर तुम ताजुब करती हो? बोलती बन अल्लाह के अख्तियार में है हर चीज। तो बाद में इरशाद हुआ कि इब्राहिम के घर वालों के ऊपर अल्लाह की रहमतें और बरकतें पैदा हुई हैं। अल्लाह ताला तो ऐसे हैं जो किसी
हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी मिसाल हमको मिलती है, जो जिनका कोई हस्बैंड नहीं था, बावजूद उनके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनको पैदा हुए। ये अल्लाह ताला के अख्तियार में ये भी है, तो क्या वो उसके अख्तियार में ये नहीं है कि वो जो बे औलाद हैं उनको उम्र के किसी भी मरहले में औलाद दे दे? तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद करनी चाहिए और शुक्रगुजारी का रवैया हमको अख्तियार करना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, शरीयत मुकम्मल होती है कुरान और सुन्नत के साथ। तो अब हम ये देखते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी जो सबके लिए, हम अल्लाह ताला ने कहा कि तुम पूरी लोगों के लिए, दुनिया के लिए मैंने तुमको उसवा बनाकर भेजा है, उनकी ज़िंदगी से हमको क्या एग्जाम्पल्स मिलते हैं? तो अहद नबवी पूरा जो पीरियड है, प्रोफेटिक पीरियड, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक टीचिंग को, प्रैक्टिस को समझने के लिए, चाहे आप सल्लम की अपनी लाइफ, अपनी ज़ाती लाइफ, उनकी घर की लाइफ से जुड़ी हुई हो या उनके घर के बाहर। यानी अल्लाह के नबी सल्लम जब तक जिंदा थे, वो पूरा दौर प्रोफेटिक एरा, प्रोफेटिक पीरियड कहलाता है, द नबवी कहलाता है। तो उसमें हमको हर तरह की टीचिंग्स, गाइडेंस आपको मिलेंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हमको क्या मिलता है, यहाँ पर देखिए, ये सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ थी, हम सब जानते हैं कि आप ने अल्लाह के हुक्म से 11 बीवियाँ थी, और उनमें हजरत खदीजा को छोड़कर बाकी की सारी बीवियाँ, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औलाद नहीं हुई। और हर तरह की बीवियाँ, हर तरह की खवातीन हमको उनमें मिलती हैं, और मैं आपको इनफर्टिलिटी की भी मिसालें मिलती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर। और उनमें चंद बीवियाँ वो थी जो बेवा थी, यानी जिनके पहले शौहर थे, इंतकाल करके बाद में अल्लाह के नबी से उनका निकाह हुआ। कुछ वो थी जो तलाक याफ्ता थी, कुछ वो थी जो जंग के बाद कैद में आई, उनके हस्बैंड बेवा होने के बाद, इंतकाल करने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया, पूरे कबीले को, बाद में उनको आज़ाद किया और उनसे फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। और कुछ खवातीन वो थी जो बिल्कुल अनमैरिड थी, वर्जिन थी, उनसे जो अल्लाह के नबी से ही उनका पहला निकाह हुआ। लेकिन इन तमाम अकसाम में हम देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद किसी को औलाद नहीं हुई। उनमें से कुछ खवातीन वो थी जिनको अपने पहले शौहर से औलाद हुई थी, अब नहीं हुई। कुछ वो थी जिनको शुरू से ही औलाद नहीं थी और अल्लाह के नबी से निकाह के बाद भी औलाद नहीं हुई। हज़रत उम्मे सलमा है, हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा है, ज़ैनब बिन्त जुहैस, सारी उम्महातुल मोमिनीन। और यही उम्महातुल मोमिनीन हम तमाम के लिए क्या है, रोल मॉडल है, उनको हमारे लिए उम्मत के लिए नमूना बना दिया गया। अब इन ये सारी खवातीन, ये सारी बीवियाँ जो जिनको औलाद नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ बर्ताव क्या था? वो तो आपका आपका बिहेवियर देखने के बहुत सारे तरीके हैं, पहलू उसके हो सकते हैं। लेकिन अगर हम चाइल्डलेसनेस की बात करें, तो क्या लैक ऑफ चाइल्ड या बच्चों के ना होने की वजह से उनके दरमियान कभी तमीज़ बरता गया, उनके इम्तियाज बरता गया? नहीं, सबको इक्वली रिस्पेक्ट दी गई, सबको एक जैसा मकाम दिया गया, सबके साथ अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव एक जैसा था, हुकूक उनको इक्वली दिए गए। हाँ, कभी कभी ये हमको मिसालें देखने को मिलती है, हजरत आयशा के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बाकी बीवियों के मुकाबले में ज्यादा मोहब्बत थी। ये है, सच है, लेकिन इसकी वजह भी उनकी कम उम्री, उनका कुंवारापन होना, उनकी खूबसूरती नहीं, ये बिल्कुल नहीं थी। बल्कि दीन में हजरत आयशा की दिलचस्पी, दीन से उनका लगाव, कुरान और हदीस को लेके, इस्लाम को लेके उनकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो इसकी बुनियाद बनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से ज्यादा मोहब्बत करते थे। एक मरतबा हुआ कि अब ऑब्वियसली वो नबी की बीवियां हैं, लेकिन है तो सौकन, इसीलिए सौकन होने के जो फितरी जज्बा एक औरत के अंदर पैदा होता है, तो वो उम्मातुल मोमिनीन में छोटी मोटी नोकझोंक हुआ करती थी। और सबने एक मरतबा हजरत उम्मे सलमा, जो कि बहुत ही बावकार और बहुत ही ज्यादा सेंसिबल, डिसिप्लिन, बहुत जबरदस्त खातून थी, उम्मे सलमा बहुत समझदार थी, उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके पूरे उम्मातुल मोमिनीन ने, बाकी अजवाज ने अल्लाह के नबी के पास माँ आयशा की शिकायत लेके भेजा कि नहीं, आप उनको ज्यादा वक्त नहीं दिया करेंगे आप, या आप ये क्यों हैं कि आप उनसे ज्यादा मोहब्बत करें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा लगा वो, और उन्होंने उम्मे सलमा को जवाब दिया कि ए उम्मे सलमा, क्या तुम नहीं जानती कि मुझे सिवाय आयशा के लिहाफ के किसी और के पास वही नाजिल नहीं होती? तो ये मैार था, ये क्राइटेरिया था उनके साथ, उनकी मौजूदगी में, उनके संगत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही का नुज़ूल होना, जो एक अल्लाह की वही नाजिल होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हजरत आयशा की ही मौजूदगी में अल्लाह के नबी के साथ हुआ,
और इस वजह से उन्होंने उनको चाहा। इसके अलावा अल्लाह हजरत आयशा जो जहां हद से ज्यादा जहीन फतीन सुपर जीनियस वो खातून थी और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी उसकी वजह से अल्लाह ताला उनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। तो ये जो खवातीन हैं इनको हमारे लिए रोल मॉडल बनाया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, चूंकि जिंदगी से वो लोग जुड़े हुए थे सारी उम्मतुल मोमिनीन, इसीलिए उनके हर अमल के ऊपर लोगों की नजर रहती थी। अगर वो कुछ अच्छा करते तो भी लोग उनको फॉलो करते, अगर कोई इनसे गलती हो जाती तो गलती से भी गलती होती तभी लोग उनको फॉलो करते, तो ये गलत चीज उम्मत में जाने का अंदेशा था। इसीलिए उनको बहुत स्ट्रिक्टली अल्लाह ताला ने वार्न किया, सूरह अहज़ाब में कहा कि नबी की बीवियों तुम्हें से जो खुली बेहयाई का इर्तिकाब करेगा उनको दोहरा अज़ाब दिया जाएगा। क्योंकि वो अपने आप में सिर्फ एक शख्सियत नहीं है, वो एक नबी की बीवी है, तो नबी की गाइडेंस ऑब्वियसली उनको मिली है, तो वो कुछ करेंगे तो गोया अल्लाह के नबी ने ही बताया होगा, तो वो सबके लिए चूंकि मॉडल है इसीलिए उनसे गलती का इर्तिकाब की उनको जो है गुंजाइश नहीं थी। तो जो खुली जो जानबूझ करके खुली बेहयाई का इर्तिकाब करेगी उनको इसीलिए दोहरा अज़ाब दिया अज़ाब देने का बात हुई है, और जो फरमा बरदारी करेगी उनको दोहरा अजर भी अल्लाह ताला देगा। तो उम्महातुल मोमिनीन में ही हमको अपना रोल मॉडल नजर आता है। ये उम्महातुल मोमिनीन वो हैं जिनको कोई औलाद नहीं थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी दीन की राह में बिता दी। हजरत आयशा उसकी बेहतरीन द बेस्टेस्ट एग्जाम्पल हजरत आयशा का है, उन्होंने अपनी जिंदगी को इस्लाम सीखने में और सिखाने में लगा दिया। वो कुरान की हाफिजा थी, कई अहादीस की हाफिजा थी, वो नैरेटर थी अहादीस की, कम से कम 2210 अहादीस उनसे रिवायत होती है। वो फिक्र की, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की, इस्लामिक लॉ की, खासतौर से पर्सनल लॉ की वो एक्सपर्ट थी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवाज के साथ अपने बीवियों के साथ जैसे रहे हैं तो बीवियों के साथ कैसा होना चाहिए, शोहर बीवी के दरमियान में क्या मसाइल आते हैं, उसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उम्महातुल मोमिनीन को हुई थी और उनमें सबसे ज्यादा हजरत आयशा को थी। तो सहाबा कराम भी, जो बड़े बड़े सहाबा कराम है, उनको कोई मसला समझ में नहीं आता तो वो अम्मा आयशा के पास आते थे और वो उनको गाइड करती थी कि नहीं ये मसला है और अल्लाह के नबी की ये हिदायत आई थी। सोशियो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर जबरदस्त थी और वो टीचर थी, वो मुदर्रिसा थी। अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद उन्होंने कई साल तक दर्स दिया और उनकी दर्स की मजलिस में मर्द और ख्वातीन दोनों उसमें शामिल होते थे। इसी तरह हजरत उम्मे सलमा की हमको मिसाल मिलती है। हजरत आयशा के बाद सबसे ज्यादा अहादीस रिवायत करने वाली आप सल्लम के अजवाज मुतहरात हैं, हमको उम्मे सलमा है, और बहुत जहीन थी वो खातून भी। वो वाकया मैं याद दिलाना चाहूंगी सुलह हुदैबिया का, हिजरत के 6 साल के बाद मुसलमान प्लान करते हैं कि हम उमरा करने जाएं, अपने वतन अजीज की उनको मोहब्बत याद सता रही थी और काबतुल्लाह का वो तवाफ करना चाह रहे थे, जियारत करना चाह रहे थे, लेकिन उनको कुरैश ने मक्के के बाहर हुदैबे के वहां पे रोक दिया, उनको एंटर होने नहीं दिया, एक तो रोक दिया, दूसरा उस वक्त जो सुलह नामा हुआ, जो अग्रीमेंट दोनों के दरमियान में हुआ, उसमें कुरैश ने जितनी सारी शरायत दी थी अल्लाह के नबी ने जैसी की तैसी सब मान ली, एक का भी अपोज नहीं किया। अब मुसलमानों को और गुस्सा कि वो बेतुकी शरायत हम पे लगा रहे हैं और आप हर चीज को माने जा रहे हैं, इतना गुस्से में थे, हालांकि वो शरायत सारे मुसलमानों के लिए ही सही साबित हुई, उसको खुली हुई फतह अल्लाह ताला ने करार दिया है इन शरायत को, क्योंकि बाद में इस्लाम को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो खैर उस सिचुएशन में मुसलमान इतने ज्यादा गुस्से में थे, इतने ज्यादा बरहम थे कि वापस जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। अब ये देखिए आप, ये सिर्फ मुसलमान छोटा सा ग्रो और कुरैश, नो वो सिर्फ दो ग्रो नहीं थे, वो दो स्टेट थे अपने आप में, एक रियासत थे, जैसे अमेरिका और रशिया दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट्स, कट्टर ओपोनेंट्स से कई सालों से उनके दरमियान जंगे चली आ रही है, तो दो स्टेट्स का एक एक्सटर्नल अफेयर का एक मामला गोया वहां पर था, और अगर किसी से एक भी छोटी सी गलती हो जाती, कोई तलवार निकाल लेता या कुछ हो जाता तो जंग छिड़ जाने का पूरा अंदेशा था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाकाम हो गए इसमें कि उन लोगों को मनवा लें कि भाई वापस चलो, पोलाइटली खामोशी से सब्र करते हुए। उस वक्त हजरत उम्मे सलमा उनके साथ थी, कुरानदाजी होती थी, कहीं पे भी सफर जाते तो चिट्ठी में जिसका नाम आता कुरानदाजी में उस बीवी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ रखते थे। तो हुदैबिया के मौके पे हजरत उम्मे सलमा आपसे सलम के साथ थी, उन्होंने आपसे सलम को मशवरा दिया कि सहाबा किराम आपकी बेइंतहा रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी इताअत में एक सेकेंड नहीं करेंगे, आप अमल करना शुरू कर दीजिए, जिस नीयत से आए थे उस नीयत उमरा की नीयत से आप अपने सर मुंडवा लें, ज़बह करें, अपना अहराम खुल के गुस्ल करें, तो देखिए आपकी इताअत में सारे सहाबा भी ये करेंगे। और बिल्कुल हमारे आज के मर्दों की तरह उनको उम्मे सलमा को अल्लाह के नबी ने ये नहीं बोला कि भाई स्टेट का इशू है, बहुत बड़े पॉलिटिकल एक इशू है, तुम कहाँ अपना दिमाग लड़ा रही, चुप करो, नो,
उन्होंने अपनी बीवी को जो रिस्पेक्ट दी थी उसका अमली मुजाहिरा किया, उन्होंने उम्मे सलमा की बात के ऊपर अमल किया, और देखते ही देखते सहाबा कराम ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, सर मुंडवाया और सारे लोग वापस चले। तो एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल इशू एक नाजुक मसले में बिगड़ते बिगड़ते बचा हजरत उम्मे सलमा की एक दानिशमंदी की वजह से। हम देखते हैं हजरत जैनब को उमुल मसाकीन कहा गया, वो बहुत ज्यादा खर्च करती थी। जैनब बिनते जहश जो है आप सल्लम की फूफीजाद बहन, वो अल्लाह की राह में सदका करने के लिए उनके पास दूसरे जराए नहीं थे तो वो खुद कमाया करती थी, दबागत का पेशे से वो वाबस्ता थी, यानी कपड़ों को रंगना और उसको फिर सुखा करके उसको बेचना मार्केट में, और उसे जो भी माल आता था वो लोगों की पढ़ाई के ऊपर या किसी भी अच्छे कार्य खैर में वो सर्फ किया करती थी। ये काम उन्होंने किया है। सहाबियात और ताबियात में उम्मतुल मोमिनीन के अलावा भी हमको सहाबियात और ताबियात में भी मिसालें मिलती हैं कि इतनी जबरदस्त मिसालें आई हैं तारीख में कि दिल खुश हो जाता है। वो उन्होंने अपने वुमेनहुड का पूरा इस्तेमाल किया, अपनी जहानत, अपनी सलाहियत, अपना हुनर, अपना इल्म, हर चीज को उन्होंने अच्छे तरीके से सीखा, अपनी जिंदगी में बरता और लोगों के ऊपर उन्होंने लगाया। बड़े बड़े नाम हमको मिलते हैं, सईद बिन मुसैब की बेटी का नाम आता है, हजरत इमाम मालिक की बेटी का नाम आता है, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर जो हजरत आयशा की बहन थी उनकी ग्रैंड डॉटर का नाम हमको मिलता है। इमाम मालिक के बारे में हम जानते हैं कि चार जो बड़े बड़े आइमा हैं जो स्कूल ऑफ थॉट्स है फिक्ह के, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, उसमें सबसे कदीम तरीन हमको इमाम मालिक का मिलता है। उन्होंने जो मारिकतुल आरा किताब लिखी, हदीस और फिक्ह की सबसे बड़ी अहम पुरानी किताब, कदीम किताब, वो है मुवत्ता इमाम मालिक। उनकी बेटी मुवत्ता की पूरी हाफिजा थी और इमाम मालिक मदीना में मुवत्ता का दर्ज देते थे। सैकड़ों की तादाद में तलबा आते थे सुनने के लिए और इतनी रौबदार पुरवकार वो महफिल होती थी कि किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि आंख उठाकर देखे या वो करें। तो मुवत्ता पूरी की पूरी आपकी बेटी को याद थी। कभी कभी इमाम मालिक से गलती हो जाती थी तो उनकी बेटी उनको करेक्शन किया करती थी। वो इमाम मालिक के पीछे ही दरवाजे के आड़ में वो बैठा करती थी और कोई शख्स उनको उनके शागिर्द में से कोई सबक सुनाता और वो गलती करता और इमाम मालिक के जहन में वो बात नहीं रहती तो ये पीछे से खटखटाया करती थी दरवाजा। तो इमाम मालिक समझ जाते थे कि अरे यहाँ पर चूक हुई है और मुझसे गफलत हुई है, तो वो दोबारा उसको करेक्ट कर देते। तो इतने वो एक्सपर्टाइज हुआ करती थी। हजरत अबरा बिनते अब्दुर्रहमान का नाम मिलता है, द ग्रेटेस्ट मुहदिस ऑफ अ टाइम। इतनी उनकी अजमत का आप अंदाजा करें, हदीस के कंपाइलेशन में उनका बहुत बड़ा रोल है। अहद नबी गुजरने के बाद खिलाफत राशिदा का दौर खत्म हुआ और उसके बाद कैलिफेट पीरियड जो उमैयाद कैलिफेट पीरियड शुरू होता है जिसमें पांचवें खलीफा थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनको जिन्होंने जिस तरह की प्रैक्टिसेस की हैं उसकी बुनियाद पर उनको पांचवें खलीफा राशिद कहा जाता है। तो उन्होंने इसकी अहमियत महसूस की कि अहादीस जो लिखी हुई है हमको उनको कंपाइल करना जरूरी है और सही अहादीस को, वरना पॉलिटिकल इतने रायट्स चल रहे थे, इतनी ऊपर उथल पुथल हो रही थी कि अल्लाह के नबी के नाम पे मनसूब करके कुछ भी बोल दिया जा रहा था, तो जरूरी था कि सही अहादीस को जमा किया जाए। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने दो जबरदस्त उलमा का इंतखाब किया, हदीस को कंपाइल करने का काम दिया, उनको टास्क दिया, इब्ने शिहाब ज़ोहरी और इब्ने हज़म। और उनको ये खास हिदायत थी कि जिन लोगों से तुम अहादीस जमा करना उनमें हजरत अमरा बिनते अब्दुर्रहमान के पास से सबसे पहले तुम जमा करना। उन जैसी जय शख्सियात जिनका बहुत बड़ा नाम है इस्लामी उलूम में, इस्लामिक साइंसेस में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन का, उनको हजरत अमरा बिनते अब्दुर्रहमान से अहादीस को लेने के लिए कंपल्सरी किया जा रहा है क्योंकि बेशुमार अहादीस उनके पास मौजूद थी और वो उनकी सही रावी थी। और ये था, इसके अलावा हम देखेंगे तारीख इस्लाम में ढेरों खवातीन की हमको खिदमत मिलती है। डॉक्टर अकरम नदवी के काम की धूम मची हुई है आजकल, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज को चेयर कर रहे हैं, उन्होंने पूरी हिस्ट्री में मुसलमान खवातीन जो टीचर्स थी, उलूम इस्लामिया के माहिर थी, मुहदिसात, फकी वगैरह, उन तमाम के बारे में आपने एक गोया इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया जो अपने आप में 40 जिल्दों में 40 वॉल्यूम्स में उन्होंने लिखा। सोचिए कितनी हजारों लाखों खवातीन का उसमें तस्करा है। तो उससे हमको बहुत मिसालें मिलती हैं कि मुदर्रिसात भी थी, खवातीन क्या कुछ किया करती थी। इस्लामी दुनिया के जो तीन बड़े बड़े मसाजिद हैं, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा, वहाँ की भी टीचर्स हुआ करती थी, मुदर्रिसा हुआ करती थी खवातीन, और मर्द और खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ इल्म हासिल किया करती थी। डिटेल स्क्रीन के ऊपर आपको मौजूद है। इसी तरह ये भी खवातीन की अजमत की एक और मिसाल मैं देना चाहूंगी कि अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी, बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर गुजरे हैं,
उन्होंने बताया कि जब अहादीस को जमा किया गया तो बहुत सारी अहादीस जो ज़ईफ़ हदीसें हैं, मौज़ू हदीसें हैं, उनको रिजेक्ट किया गया और उसके इतना सख्त क्राइटेरिया बनाया गया कि अगर मतलब इस फन को जरा तादील का फन कहा जाता है हदीस के उसमें फन असमा और रिजाल डेवलप हुआ ताकि वो क्राइटेरिया के ऊपर सेट हो लोग और सही हदीसें ही हमारे पास जमा हो और ऐसी वैसी कुछ भी बात नजर आए तो वो हदीसों को रिजेक्ट कर देते थे। तो अगर एक शख्स सही हदीस बोल रहा हो लेकिन अगर अपने उसने लाइफ में पर्सनल लाइफ में अगर उसने किसी के भी साथ झूठ बोला हो और वो पता चला तो उस शख्स की हदीस को भी सही नहीं माना जाता था, उसके ऊपर एतबार नहीं किया जाता था और रिजेक्ट कर देते थे। तो हजरत शम्सुद्दीन ज़हबी बोलते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मर्दों की अहादीस को तो रिजेक्ट किया गया लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि एक भी खातून की एक हदीस को भी रिजेक्ट किया गया हो, यानी खवातीन से किसी किस्म के झूठ बोलने या किसी किस्म की इस तरह की चीजें उनकी शख्सियत में नहीं मिली और खवातीन से जितनी अहादीस मिली उनके सबको एक्सेप्ट किया गया। ये वो सख्त मैार के ऊपर सारी खवातीन उठी, ये बहुत बड़ी अजमत की बात है। हजरत शिफा बिनते अब्दुल्ला, एक हमको खुलफा राशिदीन के दौर से एक जबरदस्त हमको मिसाल मिलती है। हजरत उमर के जमाने में, हजरत उमर वो जिनके बारे में ये गलत बात फैली हुई है कि वो अपनी बीवी को मस्जिद में नमाज जाने से इसलिए रोकते थे कि वो एक औरत है, ये गलत फहमी उनके बारे में फैलाई गई, वैसे शख्स हजरत उमर उन्होंने मक्का की मार्केट का मैनेजर एक औरत को बनाया था, शिफा बिनते अब्दुल्ला, शिफा बिनते अब्दुल हई, उनके अंदर इतनी एबिलिटी थी, मर्दों की कमी नहीं थी ना, सहाबा कराम हजरत उमर के जमाने में इतने बड़े बड़े तुजार सहाबा थे, वर्ल्ड वाइड उनकी तिजारत फैली हुई थी, ढेर सारे मर्द मौजूद थे, लेकिन एक औरत को क्यों बनाया? क्योंकि उनके अंदर थी इतनी अंडरस्टैंडिंग मार्केट को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके, तो उनकी उस एबिलिटी की वजह से, वो भी मक्के का, शाम का, मदीने का नहीं, मक्का ऐसी सरजमीन है जहां पर हर साल हज करने के लिए एक तो लाखों लोग आते थे, हजारों लोग आते थे और मक्के में बाजार जमते थे और दुनिया के हर जगह से, कोने कोने से लोग हज करने के लिए उन जमानों में आते थे और वहां पर बड़े बड़े मार्केट्स रखते थे। ऐसी जगह का एक जिम्मेदार, वो भी मार्केट का जिम्मेदार, हजरत शिफा बिनते अब्दुल हई को एक औरत को बनाया गया। तो ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है कि हम अपनी सलाहियतों का कैसे कैसे इस्तेमाल करें। तो लिहाजा मेरी बहनों, मेरी बहुत प्यारी बहनों, कुरान और इस्लाम जो है वुमेनहुड को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। कोई भी औरत इस वजह से जज नहीं की जाएगी ऑन द डे ऑफ जजमेंट कि वो बच्चा दे रही पा रही है या नहीं दे पा रही है, वो क्या कर रही है। अच्छे आमाल ही की बुनियाद पर मर्द और औरत दोनों को रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे सूरह निसा की आयत नंबर 32 में और 124 में लिखा हुआ है, एनीवन हु परफॉर्म्स गुड डीड्स वेदर इट बी मैन और वुमन प्रोवाइडेड दैट ही इज अ बिलीवर शैल एंटर पैराडाइज, नो वन शैल सफर द लीस्ट इनजस्टिस। यानी अच्छे आमाल की बुनियाद पर हमको हमारी जिंदगी में कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमको एक मिशनरी उम्मत बना के भेजा गया है, हम ऐसे वैसे लोग नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत एक मिशनरी उम्मत है, अंबियाई मिशन रखती है, जिसको अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपने उम्मत के लिए बहुत कुछ करना है, ये जिम्मेदारी दे के हमको भेजा गया है। तो हमारे उन आमाल की बुनियाद पर हमको जो है जन्नत दी जाएगी या दोजख दी जाएगी। तो हमको क्या करना है इसके भी गाइडेंस हमको मिलती है कुरान मजीद में, और इससे बेस्ट आयत शायद ही कोई हो, सूरह अहज़ाब की आयत 33 में 10 ऐसे फीचर्स बताए गए हैं मुसलमान मर्दों और औरतों के, जिसमें हम अपना आईना देख सकती हैं, हम अपने आप को सवार सकती हैं अगर हम ऐसे नहीं हों, हमको ऐसा होना चाहिए। तो 10 ऐसी सिफात पैदा करने के लिए कहा गया है, इताअत करने वाले मर्द औरतें, ईमान लाने वाले मर्द औरतें, यानी आप जिस तरह के भी सिचुएशन में हो, आपको किस तरह के क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा हो, आपको मुश्किल का, घरेलू मसाइल का, ईमान मुतजलजल नहीं होना चाहिए, हर चीज अल्लाह की मंशा में, हर चीज अल्लाह के इल्म में है, हमको बस साबित कदम रहना है और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा करेगा। फर्मा बरदारी हमको करनी है हर मौके पे, फर्मा बरदार मर्द और औरतें, रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें, यानी सच बोलने वाली, सच का साथ देने वाली, सच के लिए खड़े होने वाले, माशरे में झूठ हो, बातिल हो, वो चाहे जितना पावरफुल हो, आपको चुप नहीं रहना है, आपको रास्तबाज रहना है और उसका सामना करना है, और अगर आप रास्तबाज हैं तो आपको मुश्किलात का सामना करना ही पड़ेगा, इसीलिए सब्र करने वाले मर्द और औरतें, ये भी सिफत कहा जा रहा है। सब्र का माना बर्दाश्त करना नहीं होता, सब्र का माना होता है जमे रहना अपने स्टैंड पर इस्तेहकाम के साथ। खुशु व खुजू करने वाले मर्द, सदका करने वाले, यानी आप सदका इसलिए कि आप खुद जैसे हैं, आप दूसरों को भी एबल बनाएं सदके के जरिए, उनको खुशहाली दें, उनको सोचने समझने के लिए मौका फराहम करें, मतलब किसी के पास खाने पीने का वक्त नहीं होगा, वो क्या दीन की बात कर पाएगा, समझ पाएगा। हम ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो लोग जिन जो इकोनॉमिकली वीक है, हम उनकी मदद करें, उनका उनके लिए सदका करें। रोजा रखने वाले मर्द और औरत, रोजे का आप सब जानते हैं कि मतलब भूखा पेट रहना नहीं है, तकवा अख्तियार करना है, अपने अंदर अच्छी सिफात पैदा करना, अल्लाह का डर पैदा करना,
बुरी चीजों से रोकना और अच्छाई की तरफ जाना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले लोग, और ऑब्वियसली इसकी शुरुआत निगाहों से होती है, उसकी हिफाजत करते हैं। हम जानते हैं कि अहद नबी का इतना फ्री माहौल था, मतलब फ्री से मुराद वो नहीं, मर्दों और औरतें की मिंगलिंग थी, मिलना जुलना था, लेकिन एटिकेट्स को बरकरार रखा गया। मस्जिद में एक ही डोर था जहां से मर्द भी जाते थे नमाज पढ़ने, औरतें भी जाती थी, और उन दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं था। आज जैसे है ना, खवातीन की अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाई भी गई है, तो जो भरपूर मस्जिद होती है जिसमें मस्जिद जाने का आपको एहसास होता है, जबरदस्त डेकोरेशन है, इमारतें हैं, वहां जगह नहीं है। आपको साइड में एक जगह मिलेगी, एक कमरा मिलेगा, और आपको बाहर का कुछ भी इतना ज्यादा नजारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल मर्दों का खवातीन का डिफरेंट डिफरेंट, चूंकि आज का माहौल भी ऐसा हो गया होगा। वॉट एवर द रीजन, अहद नबी में ऐसा नहीं था। मर्द सामने पढ़ते थे नमाज, खवातीन पीछे पढ़ती थी। आदाब की ये लिहाज रखा जाता था कि पहले खवातीन निकलती थी, बाद में मर्द निकलते थे। तो इस तरह अपने आप को आदाब और एहतियात के साथ, ईमान की अपने दिल में ईमान के साथ रखेंगे, अल्लाह की राह में चलेंगे, तो ये बुराई पैदा नहीं होगी समाज में। और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द, हर आलम में, हर मौके पे, हर अच्छे बुरे में बस अल्लाह को याद करना, अल्लाह के पर मामला छोड़ देना, अपना काम करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना जिससे जितना हमसे हो सकता है, और बाकी अल्लाह के पर ये भरोसा रखना कि वो हमारा साथ देगा। तो अपने कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा अल्लाह ताला को याद रखना, और ये याद रखना कि अल्लाह हमारे साथ है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने मगफिरत और बड़ा आज मुहैया किया हुआ है। तो ये हमारे लिए जबरदस्त और परफेक्ट गाइडेंस है हमको जो है समाज का सामना करने, लड़ने के लिए। तो कॉन्क्लूजन ये है कि परमिसेबल थिंग्स एक कपल कर सकता है, शादी हो गई उनके अख्तियार में है, अगर वो चाहें तो इस्लाम इजाजत देता है कि अगर आप अभी बच्चा नहीं प्लान कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद कर रहे हैं, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, हम डिवाइन लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई अल्लाह ताला ने दुनिया पैदा हुआ तो अल्लाह के कानून के हिसाब से चलें। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम शादी नहीं करेंगे, या शादी होगी तो नहीं हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे। नो, ये हमारे अख्तियार में नहीं है। अल्लाह का निज़ाम है, उसकी अपनी मसलियतें हैं, मकासद हैं। मकासद शरीयत के 5 मकासद में एक अहम ये भी है कि नस्ल की बका हो, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो ये किया जाए। तो लेकिन ये हमें, बाकी सोसाइटी को अख्तियार नहीं है कि आप क्वेश्चन करें कब बच्चा रख रहे हो, क्या हो रहा है, क्या प्लान हो रही है। अंटिल एंड अनलेस कि आप उस कपल के बहुत ज्यादा करीब हो, दोस्ताना माहौल हो, खुल के बातचीत होती हो, आप सलीके से पूछ सकते हैं। तो ये होना चाहिए। और दूसरी बात कंक्लूजन में ये है कि आर वी कम्प्लीट, ये सवाल खवातीन के अंदर पैदा होता है कि वो इनकम्प्लीट अपने आप को महसूस करती है। नो डियर, आपने देखा अभी कई आयतें आपके सामने आई हैं, तो खवातीन अपने आप में एक मुकम्मल हैसियत रखती है, अपनी एक शख्सियत रखती है। वुमेन हुड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कुरान ने दी है, तो हम अपने आप में कंप्लीट है। औरत इसीलिए पैदा नहीं हुई है कि वो बच्चे जने, औरत को एक जरिया बनाया गया है बच्चे पैदा करने का। तो कभी भी अपने आप को इन्फीरियर हरगिज महसूस नहीं करें। हम अगर औलाद नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो वी आर नॉट डिफेक्टेड कि अल्लाह ताला ने एक डिफेक्टेड प्रोडक्ट को पार्सल कर दिया या आपके पेरेंट्स के तरह ये प्रोड्यूस हो गया। नो, वी आर नॉट डिफेक्टेड, कई सारी खूबियां हमारे अंदर है, ये कोई महरूमी नहीं है। इसको डिफेक्ट मानना भी नहीं चाहिए, इसको डिफेक्ट में, इसको महरूमी भी मैं नहीं बोलना चाहूंगी कि औलाद से ये महरूम हो गए। नो, नहीं, महरूमी नहीं है। आपके अंदर जो है वो आपके साथ, उसी के साथ कंप्लीट है। तो दूसरों को भी, मैं सोसाइटी को ज्यादा नहीं बोलूंगी कि हमको ऐसे कपल के साथ कैसे रहना चाहिए। नो, मैं उनसे मुखातिब हूँ जिनको औलाद नहीं हो रही है, वो अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करे, कॉन्फिडेंस फील करे, वो अपने अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करे, वो अपने अंदर क्लियर अंडरस्टैंडिंग पैदा करें किस तरह हमको रहना है, क्यों हम हैं, क्या करने के लिए हम हैं, किसको किस चीज़ का हक है, आपको किस चीज़ का हक है, क्या नहीं है। तो किसी को अपने आप को एक्सप्लॉइट होने करने के लिए इजाजत मत दीजिए। और एक बात है, यूटिलाइज योर टाइम टू एक्सप्लोर योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द सोसाइटी। कितनी सारी मिसालें आपको मैंने दी और ढेरों मिसालें मौजूद है। आप आपके टैलेंट को, आपके हुनर को, आपकी काबिलियत, आपकी सलाहियत, बोलने की, लिखने की, काम करने की, बुटीक है, कुकिंग है, एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकती हैं। आपके टाइम का इस्तेमाल कर सकती हैं, चैरिटी कर सकती हैं, आप सोशल वर्क में लग सकते हैं। आप आपके टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल करिए फिजूल चीज़ों में सोचने के बजाय। सोसाइटी का काम बोलना है, वो एक है ना, एक गीत का जुमला क्या है वो, कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। सबसे पायस जो मानी जाती है धर्म में, उनको लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। हजरत अम्मा आयशा के ऊपर तोहमतें लगी, सबने उनके ऊपर बिलीव कर लिया था, उनके बातों में आ गए थे, बाद में अल्लाह ताला को गवाही देनी पड़ गई कुरान में और डांटा कि तुम लोग जो उनको जानते हो करीब से कि वो अच्छी खातून है, बाकिरदार है, तुमने उनके लिए गवाही क्यों नहीं दी, चुप रहना जुर्म है ऐसे मौके पे।
तो अपने आप को किसी को एक्सप्लॉइट करने नहीं देना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही हम लास्ट बात के अल्लाह के सामने जवाबदार होंगे भाई अपने अपने आमाल के बारे में, हम सोसाइटी को जवाब देने वाले नहीं है आखिरत में। अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि तुम्हारा वक्त, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी जिंदगी कहाँ सर्फ हुई। आप सोसाइटी को जवाब नहीं दोगे, तो हमको इसकी फिक्र होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह अपने वक्त का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पॉइंट पे बात हमेशा मैं करती हूँ कि लर्निंग व्हाट इज अनलर्नड इज नेसेसरी बट अनलर्निंग व्हाट इज लर्नड इज ब्रेवरी। बहुत सारी गलत चीजें भी हमने सीखी हुई हैं, हमारे पेरेंट्स से आई है या हमारे समाज से आई है, हमारे सोसाइटी से हमको मिली हुई है। तो जो नहीं सीखी है अच्छी चीजें उनको तो जरूरी है सीखना, लेकिन जो गलत चीजें सीखी हुई है उनको नहीं सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अनलर्निंग व्हाट इज लर्नड इज ब्रेवरी एंड ऑल्सो विजडम इफ यू डू इट द मोमेंट ऑफ यू रियलाइज इट। ये हमको हमेशा जहन में रखना चाहिए। टाइम वैसे तो हो गया है, लेकिन मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि आप लोग अच्छे अच्छे पोइट्स को भी पढ़ें, जैसे अल्लामा इकबाल के हम सभी उनके शैदाई हैं। उन्होंने साकी नामा जो बाले जबरील का एक हिस्सा है उसमें बहुत एक आदम इब्ने आदम के लिए, जो सिर्फ मर्दें औरतें मर्द सबके लिए उन्होंने बोला कि पूरी कायनात आपके इस्तकबाल कर रही है, आप उठो, आंख खोलो, देखो और कुछ करो। खोल आंख, जमी देख, फलक देख, फिजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, है तेरे तसरुफ में ये बादल, ये घटाएं, ये गुम्बद अफलाक, ये खामोश फिजाएं, ये कोह, ये सहरा, ये समंदर, ये हवाएं, थी पेश नजर कल तो फरिश्तों की अदाएं, आई नए अय्याम में आज अपनी अदा देख, समझेगा जमाना तेरी आंखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, ना पे तेरे बहरे तखय्युल के किनारे, पहुंचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे, तामीर खुदी कर असर आहे रसा देख, जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खोने जिगर में, तेरी कोशिश में, ऐ पै करे गुल कोशिश पै हम की जजा दे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इनफर्टिलिटी सोशल बिहेवियर्स इन इस्लामिक टीचिंग्स। ये रेफरेंसेस है जो मैंने इस्तेमाल किए हैं, और ये सोर्सेस कई सारी किताबें हैं। अब्दुल हलीम अबू शुक्का इजिप्शियन स्कॉलर थे, उन्होंने अरबी में किताब लिखी है औरत हैदर-ए-रिसालत में, उसका उर्दू ट्रांसलेशन हुआ है और इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन हुआ है। इसके अलावा इस्लामी उलूम में ख्वातिन की खिदमत रज़ी उल इस्लाम नदवी साहब की, उमुल मोमिनीन हज़रत आयशा के ऊपर किताब लिखी गई है, बड़ी बड़ी किताबें हैं। हज़रत सैयद सुलेमान नदवी साहब ने लिखी औरत बहादुर ख्वातिन, औरत और इस्लाम, ढेर सारी किताबें आपको मिलेंगी जो आपको अपनी शख्सियत, आपके अपने कद ख़ाल को समझने और उसको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा। जज़ाकअल्लाह खैर ज़ीशान, बहुत ही मोटिवेटिंग।